उषा शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अमृतसरी नान, छोले, इमली की चटनी और रायते के साथ मैंने इसको सर्व किया है। चलिए देखिए वीडियो में मैंने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए हैं, ध्यान से देखिएगा, आपका भी घर में अमृतसरी नान कुलचा इसी तरह से तैयार होगा। फ्रेंड्स, आज इस रेसिपी को हम बनाने जा रहे हैं गेहूँ के आटे से, हेल्दी रेसिपी है। तो मैं ये 2 कटोरी गेहूँ का आटा ले रही हूँ, 2 कटोरी मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसका हम अच्छा सा डो रेडी करेंगे और घर में रखे सामान से ही ये बन जाता है। यहाँ मैंने 1 सर्विंग स्पून दही लिया है और आधा, और ये मीठा दही है, खट्टा दही नहीं लेना है आपको। ये बेकिंग पाउडर डालेंगे हम और थोड़ा सा हम यहाँ पर पिसी हुई चीनी डालेंगे और थोड़ा सा नमक, ये 1 टेबल स्पून के हिसाब से नमक और बेकिंग पाउडर डाला है और पिसी शक्कर भी इसी स्पून से हमने डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे। ये मैं देसी घी डाल रही हूँ, ऑयल नहीं डालना है, घी डालना है कोई भी। ये 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है देसी, इसको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और एक अच्छा सा डो रेडी कर लेते हैं। इसका बहुत पतला डो नहीं लगाना है, जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं उसी टाइप से हमें लगाना है। ये आटा हमारा लग चुका है, और इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए और इसे कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारा आटा रेडी है अमृतसरी कुलचे बनाने के लिए, अमृतसरी नान कुलचे जो आप बोलते हैं, ये हमारा रेडी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना हमें बनाना है उतना आटा लीजिए और ये मैंने 2 के लिए ले लिया है और इसका हम फोल्ड बना लेंगे, फोल्ड एक साथ ही बना लेते हैं। चलिए एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, और इसमें बटर अप्लाई कर देंगे। आप घी भी ले सकते हैं लेकिन तेल नहीं चलेगा, आप बटर लीजिए या घी लीजिए और इस पर लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करना है और इसके फोल्ड बनाने हैं। इस तरीके से फोल्ड बना लीजिए, थोड़ा सा बटर यहाँ भी लगाना है और थोड़ा सा आटा लगाना है और इसका एक फोल्ड बना लीजिए। अब हमारे ये फोल्ड हो गए, अब इसमें इधर भी आटा लगाना है और बटर लगाना है और इसको फोल्ड कर लेना। इसको थोड़ी देर रखने के बाद में हम साइड रख देते हैं, स्टफिंग बना लेते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा पनीर की स्टफिंग है, थोड़ा सा इसमें मैं आलू मिक्स कर लूँगी, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, सभी चीज़ें डाल लेंगे और इसमें जितना आलू की हमें ज़रूरत है उतना हम आलू ले लेंगे, बसल लेंगे। बाकी आलू हम रख देते हैं और इसमें मिर्च मसाला हम इसमें और डालेंगे, इसमें सफ़ेद नमक स्वाद के अनुसार, कच्चा जीरा ले लें, भुना जीरा भी अच्छा लगता है लेकिन इसमें आलू की स्टफिंग है तो कच्चा जीरा ही जाएगा। इसमें लाल मिर्ची पाउडर और इसमें धनिया पाउडर, चाट मसाला,
इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और कोई मसाला आप डालना पसंद करते हैं तो आप आसानी से डाल सकते हैं, अपने स्वाद के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टफिंग रेडी कर ली है। अब बारी आती है डो में से पेड़े बनाने की। अब इसमें से हम तीन जगह बना लेते हैं पेड़े, क्योंकि थोड़ी सी हैवी बनते हैं ये तो। और इसको हम ऐसे फैला लेंगे इस तरीके से। देखिए कितनी सारी लेयर आएंगी इसमें, इस तरीके से हम फैला लेंगे। बाकी जो अब आटा था पहले, इसमें नान कुलचे बन चुके हैं, इसलिए ये बाद में आपको वीडियो के लिए मैं तीन नान बना के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हम बना लेंगे और बराबर बराबर स्टफिंग इसमें भर देते हैं। साइड से आटा उठाएंगे और इस तरीके से बंद कर देंगे और इसको इस साइड से उल्टा करके हम रखेंगे। थोड़ा सा धनिया इस साइड लगा देंगे। सेम ऐसे ये हमने पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको हाथ से फैलाएंगे, हाथ से इसको बीच से दबाना है ताकि स्टफिंग किनारों पर भी साइड में जाए। आप चाहें तो थोड़ा सा हम इसको बेल भी सकते हैं, वैसे हाथ से ही फैलाया जाता है इसको। ये हमारे बनकर रेडी होंगे। हम इसकी थोड़ी सी मोटाई रखनी है, ये देखिए। तो तीनों को हम तैयार कर लेंगे ऐसे ही बेल करके। शेप जो आपको देनी है वो आप दीजिए इस तरीके से। इस साइड हम इसमें लगाएंगे पानी और तवे पर सेकेंगे। पानी वाली साइड से हम तवे पर डालेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, पानी वाली साइड से हम तवे पर डाल देंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पर सेकना है। जब इसमें बबल्स आएंगे और कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसको पलट के सेकेंगे। दोनों तरह से सेक सकते हैं, हम जाली के ऊपर भी सेक सकते हैं और डायरेक्ट गैस के ऊपर भी सेक सकते हैं। इस जाली के ऊपर भी हम इसको सेकते हैं तो बढ़िया बनता है। ये देखिए बबल्स आने शुरू हो गए और कलर भी चेंज हो गया, साइड से फूलना भी शुरू हो गया। अब हम इसको पलटते हुए सेकेंगे। अच्छे से सिकाई करनी है इसकी। और ये हमारा अमृतसरी कुलचा रेडी है। इसको छोले और इमली की चटनी के साथ खाया जाता है, स्पेशल बनती है। और छोले बहुत सिंपल होते हैं, बिना तड़के वाले छोले होते हैं। अच्छे से सेकना है, हाई फ्लेम नहीं। फिलिंग आपको जो पसंद है वो बनाइए। गर्मी में तो ज़्यादातर आलू की स्टफिंग और पनीर की ही बनती है मिक्स करके प्याज की वाज डाल के। सर्दियों में तो गोभी के भी बना लेते हैं। देखिए कितना अच्छा बन रहा है। इसी तरीके से हम सारे अमृतसरी कुलचे बना लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। और किनारों को बहुत अच्छे से सेकना है लाल गुलाबी बना करके, तभी खाने में बड़ा मज़ा आता है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। चारों तरफ से आप अच्छे से सिकाई करेंगे। देखिए कितना बढ़िया बना है। और इसको मैं चिमटे से निकाल कर दिखा देती हूँ। इस पर अब बटर लगेगा, ये देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। हमारा अमृतसरी कुलचा रेडी है और इसको हम बटर लगाएंगे और एंजॉय कीजिए गरम गरम खस्ता करारे अमृतसरी कुलचे। और आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो आपके अमृतसरी नान कुलचा बहुत पसंद आएगा आपको, और आपका भी अमृतसरी नान कुलचा बहुत अच्छे से रेडी होगा। देखिए
आवाज़ भी आएगी आपको कितना बढ़िया बना है। चलिए बाकी भी कुलचे मैं बना लेती हूँ, अभी मैंने एक ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। धन्यवाद।